दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन बेस्ट ईएलएसएस फंड्स के बारे में। ये वो तीन फंड्स मुझे लगते हैं जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ आपको अच्छी रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में एक आप अच्छी वेल्थ इन म्यूचुअल फंड से जनरेट कर पाएंगे। इन फंड्स को आप टैक्स सेवर फंड्स के नाम से भी जानते हैं। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेविंग नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जो ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो ही आप सेक्शन 80C में डिडक्शन ले पाएंगे। दूसरी चीज आपको जो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हो याद रखनी है कि यहां पर आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है और आप किसी भी कंडीशन में वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको ये चीज भी यहां पर याद रखनी है। अब दोस्तों जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की और टैक्स बचाने की तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि कहां हम अलग अलग जगह भागे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ग्रो ऐप के बारे में। यहां पर 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको इस ऐप में अवेलेबल मिल जाते हैं जो आते हैं 44 म्यूचुअल फंड हाउसेस से। और यहां पर दोस्तों आप इन म्यूचुअल फंड्स का प्रीवियस डेटा, रिटर्न्स और पूरी डिटेल्स भी बड़ी आसानी से देख पाएंगे क्योंकि जो इनका इंटरफेस है वो भी काफी इजी टू यूज है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसआईपी की तो यहां पर आप 1000 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आने वाले टाइम में एसआईपी का अमाउंट बढ़ा और घटा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहां पर आपको ग्रो ऐप में मिल जाती है। और इतना ही नहीं, यहां पर आप अपना टैक्स सेविंग कलेक्टिव प्लान भी शुरू कर सकते हैं, वो भी 0% कमीशन के साथ। सो ज्यादा सोचिए नहीं, यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, फटाफट जाइए ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। आखिर 27 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी शुरू करिए अपनी इन्वेस्टमेंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं वो कौन से तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड इस कैटेगरी में आ जाता है कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की इसकी हम बात करें तो 3600 करोड़ से ज्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है, तो काफी लिमिटेड इसका अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो भी इसकी काफी लिमिटेड दिखती है, 0.62% के आसपास एक्सपेंस रेशियो इसकी है। वहीं अगर हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो ये मैक्सिमम पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, 74% के आसपास। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं या ईएलएसएस फंड जो होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में कितना पैसा लगाएं। तो ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो फ्लेक्सी कैप फंड के जैसी ही होती है। ये किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में कितना भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट की कंडीशंस को देखकर मैंने वो तीन फंड्स आपके लिए लेकर आया हूं जो मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप फंड में लगा रहे हैं और उसके साथ साथ जो डाउनसाइड रिस्क है ये भी इन तीनों फंड्स का काफी कम मुझे दिखता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सेक्टर वाइज एलोकेशन पे तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में है, 28% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स यहाँ पर सेक्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको टिपिकल निफ्टी 50 इंडेक्स का सेक्टर एलोकेशन टॉप 3 में देखने को मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर को ये फंड यहाँ पर दे रहा है। टॉप कंपनीज पे दोस्तों अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर दोस्तों मेजरली आपको सारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो सारी यहां पर आपको लार्ज कैप कंपनीज देखने को मिलती है और इसकी एसेट एलोकेशन में भी हमने यही देखा था कि 74% पैसा ये यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा था। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें यहां पर इसकी रिटर्न पे, तो अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपए इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो वो पैसा अभी इसका 10,870 के आसपास हो गया है। 8% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में बनाकर दिए। तो मार्केट पिछले एक साल से काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, उसका इंपैक्ट यहां पर इसके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलता है कि एक साल में 8% के आसपास की रिटर्न है। 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो 15% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 20,000 से ज्यादा के बना दिए हैं, तो 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दिया है।
तीन सालों में 18% की रिटर्न है और दो सालों में 36% के आसपास की रिटर्न है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 37,000 के आसपास बना दिए। तो एक अच्छी रिटर्न्स आपको स्टेबल रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है 15% के आसपास की। मैं आपको हमेशा से बोलते हुए आया हूं, अभी भी यही बोलूंगा, इक्विटी में 12-15% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पाते हैं तो आप अच्छी खासी रिटर्न मानिए कि आप जनरेट कर पाए हैं। तो ये फंड इसलिए भी यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है। दूसरा फंड, हालांकि दोस्तों बहुत ज्यादा लोग इस फंड से फेमिलियर नहीं है, पराग पारिक टेक सेवर फंड यहां पर आ जाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी कम है, सिर्फ 585 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो काफी रीजनेबल दिखती है, 0.87%। हालांकि इस कैटेगरी में दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले थोड़ी हायर साइड पे दिखती है, लेकिन 1% से कम अगर कोई म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है तो काफी रीजनेबल आप इसको मान सकते हैं। अब ये फंड कंपैरेटिवली काफी नया फंड है, इसलिए भी यहां पर काफी लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा अभी। तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसा अभी लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे हैं, 65%, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 8% के आसपास पैसा लगाकर चल रहा है। तो अभी लगभग 83% पैसा इसने स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है और 15-17% पैसा अभी यहां पर ये कैश में रख के बैठा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इस वक्त है। यहां पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा 27% पैसा है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और सर्विसेज सेक्टर में यहां पर मेजरली ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो 70% के आसपास एलोकेशन इस फंड ने यहां पर इन 5 सेक्टर में मिलाकर की हुई है। तो यहां पर इस फंड को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये फंड जो मैनेज करते हैं फंड मैनेजर वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के ही फंड मैनेजर, और यहाँ पर आपको जो इंडियन कंपनीज हैं सिर्फ उसका एक्सपोजर मिलता है। अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम कंपनी एलोकेशन पे इसकी बात करते हैं तो ये फंड भी लगभग इंडियन कंपनीज पे अगर बात करेंगे तो लगभग इस कंपनी के पास, इस फंड के पास वही कंपनीज हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पास हैं, बस यहां पर आपको फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो ये फंड भी एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके चलने वाला फंड है। यहां पर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो बजाज होल्डिंग्स, ITC, HDFC, उसके अलावा पावर ग्रिड, ICICI बैंक जैसी कंपनीज दिखती है। उसके अलावा अभी रिसेंट एडिशन इसके पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र स्कूटर्स नाम की एक स्मॉल कैप कंपनी का भी हुआ है। उसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और TCS जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। और मोस्टली ये वो कंपनीज हैं जब ये कंपनीज को बहुत ज्यादा लोग मार्केट में पसंद नहीं करते थे उस वक्त नीचे के लेवल पे इस कंपनी ने इन कंपनीज को ऐड किया था। तो एक अच्छा वैल्यू ओरिएंटेड फंड ये यहां पर लगता है जो आपको एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहां पर बनाकर देता है, और ये फंड अपनी इंसेप्शन से काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अब अगर हम यहां पर रिटर्न्स पे बात करते हैं तो लगभग 2-2.5 साल पुराना ही ये फंड है। एक साल पहले अगर आपने इस फंड में 1 टाइम 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 11,700 के आसपास बना दिया है। 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में बना कर दी है। दो साल में 10,000 की लागत आपकी इस फंड ने 20,000 से ज्यादा की बना दी है। लगभग 43% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दिए। तो दो सालों में भी अच्छी खासी रिटर्न यहां पर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों अगर आपने जुलाई 2019 में इस फंड में पैसा लगाया होता लगभग आज से लगभग 3 साल पहले तो वो पैसा इसमें आपका 10,000 रुपए 18,500 के आसपास हो गए। तो 3 सालों में 25% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने अभी जनरेट की है और ये काफी अच्छी रिटर्न दे रहा है। सिंस इंसेप्शन ये वन ऑफ द बेस्ट ELSS फंड इस वक्त चल रहा है। तो ये फंड अभी ज्यादा लोग इस फंड के बारे में जानते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करता है पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस, लेकिन ये फंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। एक अच्छा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला ये फंड लगता है। लास्ट फंड दोस्तों इस कैटेगरी में जो मुझे अच्छा लग रहा है इस वक्त वो है मिराई एसेट टेक सेवर फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका इन तीनों फंड में सबसे ज्यादा दिखता है, 12,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.52% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो इस फंड की है। वहीं अगर आप मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर भी मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा है, 76% के आसपास।
मिड कैप कंपनीज में 17% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 7% के आसपास पैसा है और टोटल 99% इसने अभी पैसा अपना मार्केट में लगाया हुआ है। सेक्टर वाइज यहां पर भी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन दिखता है 32% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और मटेरियल सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। तो यहां पर भी फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर पैसा है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज देखेंगे तो बहुत सारी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो मोस्टली आप यही देखेंगे जो भी कंपनीज मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं जो भी फंड, वहां पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन दिखता है। यहां पर कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, तो मेजरली निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर दोस्तों एक अच्छा स्टेबल फंड ये लगता है, लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स के साथ साथ ये फंड अच्छी स्टेबिलिटी भी आपको डाउनसाइड के हिसाब से दे रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज में मेजर पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। वहीं अगर इसकी रिटर्न पे बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 5 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 21,000 के आसपास बना दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे 5 सालों में 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है, 3 साल में 19% और 2 साल में 43% के आसपास। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वहां पर भी आपको 19% के आसपास की रिटर्न दिखती है। तो काफी अच्छी खासी स्टेबल रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके दे रहा है। अब इन फंड्स की मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल में इन फंड्स के बारे में देखना है आप वहां से जाकर उन वीडियोस को यहां पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं यही बोलूंगा कि इनमें से किसी एक फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही फंड्स मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा यहां पर लगाकर चल रहे हैं। और ग्रो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रो ऐप से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ग्रो ऐप को और वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूं मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी कंपनी में या फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। धन्यवाद दोस्तों।